जो अपेक्षाएं थी, जो मैंडेट था, उसकी वजह से उन पर सवाल लाजमी है। हम वाराणसी पहुंचे हैं, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहां पर पहुंचे हैं। सोचा था गंगा घाट पर बातचीत होगी योगी जी से, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया हमारा, लेकिन यहां पर बैठ के भी हम वो बातें करेंगे। और पहली बात जो आती है योगी जी मन में, वो ये कि आप एक महीने के अंदर दूसरा दौरा वाराणसी का आपका, क्या वाराणसी का दर्जा योगी सरकार में वो हो रहा है जो पिछली सरकार में मैनपुरी सैफई का था? क्या पूर्वांचल को वो दर्जा मिलने लगा है, गोरखपुर, काशी सब? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं वाराणसी 100 दिन में दूसरी बार, और मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में मेरा लगभग दूसरा राउंड प्रारंभ हो चुका है। वैसे भी काशी तो हम सबकी सांस्कृतिक राजधानी है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, ये तो उत्तर प्रदेश और काशी वासियों के लिए गौरव की बात है ही, लेकिन ये हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी है। और मुझे यहाँ पे पहले से पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम में आना था, इसलिए मैं काशी आया हूँ। जी, क्योटो बनाने की बात हो रही थी काशी को, बहुत काशी बनेगा, काशी के अंदर चल रही योजनाएं उस सही रफ्तार से चल रही है। देखिए, आपको लगा होगा पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने जो कार्य अवरुद्ध किए थे, उन कार्यों को इन 100 दिनों में एक गति दी गई है। हम लोग उसकी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वे कार्य एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं और समय सीमा के अंदर पूरे होंगे। और हम मानते हैं कि स्मार्ट सिटी के रूप में काशी की जो सांस्कृतिक पहचान थी, उस रूप में भी काशी को जो महत्व मिलना चाहिए था, जो मिल नहीं पाया था, ये काशी का सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र बनने का अवसर काशी को प्राप्त हुआ। और काशी में विकास की योजनाओं को जो एक गति राज्य सरकार के स्तर पर मिलनी चाहिए थी, वो एक गति देने का प्रयास हो रहा है। 100 दिन पूरे होने पर आपने कहा 100 दिन विश्वास के, बीजेपी सरकार ने कहा, कांग्रेस की तरफ से कहा गया 100 दिन 100 फरेब, मायावती आई, उन्होंने कहा 100 में मैं 0 दूंगी इन लोगों को, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? देखिए, हम लोगों ने जनता के अंदर एक विश्वास जागृत करने का प्रयास किया है इन 100 दिनों में। प्रदेश की कार्य संस्कृति एकदम पिछले 12-15 वर्षों में नष्ट हो गई थी, उस कार्य संस्कृति को प्रदेश के अंदर पुनर्स्थापित करना हमारे सामने एक चैलेंज था, वो हमने प्रयास किया है कि उसको स्थापित करें। और इस दिशा में प्रदेश के अंदर जो जन अपेक्षाएँ, उन जन अपेक्षाओं के अनुरूप विकास के कार्य प्रारंभ हो सकें, उनको हम लोगों ने प्रारंभ करने का एक प्रयास किया है और उसके सार्थक परिणाम भी सामने आए। आपने क्राइम को लेकर कहा है कि योगी सरकार अपराध मुक्त, इसकी उम्मीद लोगों को शुरू से थी, लेकिन क्या क्राइम पर उस तरीके से आप काबू पा पाए हैं? क्योंकि जो आंकड़े कहते हैं वो एक दूसरी तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, अगर आप आंकड़े में जाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर इससे पहले FIR लॉन्च नहीं होती थी। हम लोगों ने सबसे पहले तो इस बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश में 100% FIR दर्ज हों। फिर अपराध हो रहा है, पहले तो अपराध को रोकने की पूरी तैयारी हो, लेकिन आपसी रंजिश या किसी अन्य कारण से कोई अपराध घटित भी हो रहा है तो उसका वह वर्कआउट होना चाहिए। अपराधी पकड़े जाते हैं, समय पर चार्जशीट दाखिल करिए। जो अपराधी जेल के अंदर हैं, पैरवी करके उनको सजा कराने की तैयारी होनी चाहिए। हर स्तर पर कार्रवाई चल रही है। तो आंकड़े इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि FIR दर्ज हो रही है। हाँ, 100% FIR दर्ज करने। दूसरा, जिन माफिया गिरोहों पर शिकंजा कसना प्रारंभ हुआ है, क्योंकि प्रदेश तो बदनाम रहा है खनन माफिया के लिए, वन माफिया के लिए, भू माफिया के लिए, राजनीतिक संरक्षण में पनपने वाले उन संगठित गिरोहों के लिए जिन्होंने प्रदेश को अराजक और जंगल राज में बदल दिया था, उन लोगों पर जब शिकंजा कस रहा है तो वहाँ से बेरोजगार हुए लोग कहीं तो डिस्टर्ब करेंगे। तो ये वह स्टेज है और हमें माइंड मेकअप करके चलना होगा कि ये कुछ समय तक चलेगा जब तक कि हम हमेशा के लिए उसकी आवाज़ बंद न कर दें। ये उस दिशा में बढ़ते हुए कदम है। दूसरी उपलब्धि जो लोग आंकते हैं, आपके प्रशंसक खास तौर पर कहते हैं, वो है किसान कर्ज माफी। घोषणा हुई, लेकिन क्या कोई योजना उसके साथ लागू हुई? क्या आवंटन हुआ उसके लिए? क्योंकि कुछ किसान बुंदेलखंड के ऐसा कहते हैं उनके पास नोटिस आ गया है कर्ज वापसी के। देखिए, ये कुछ बैंकों ने, एक दो बैंकों ने किया था। हम लोगों ने बैंकर्स के भी हमारी बैठक हुई थी और हम लोगों ने बैंकों से को इस बारे में स्पष्ट कहा है, क्योंकि इसमें किस बैंक से कितने किसानों ने पैसा लिया है,
हम लोगों ने 31 मार्च 2016 तक लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक के फसली ऋण को माफ करने की घोषणा की है। ये सूची हमें बैंक ही देंगे, तो बैंकर्स ने हमें सूची देने में कुछ लेट किया है। हम लोग अभी पिछले दिनों उनके साथ बैठे थे, तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा है उनको कि किसी भी किसान को आप नोटिस नहीं देंगे, बजट पास करते ही हम इतना पैसा बैंक संबंधित बैंकों को दे देंगे, उसकी पूरी कार्रवाई चल रही है, पूरी योजना को हम लोग कार्यरूप दे चुके हैं, सभी बैंकर्स को उनके सामने हम लोगों ने लक्ष्य रख दिया है, उतना पैसा हम बैंक को दे देंगे और बैंक उन किसानों के उस जो पैसा 1 लाख तक का ऋण उसका रहा है उस ऋण को माफ करके किसान के सतत विकास और उसकी आत्मनिर्भरता के लिए जो कदम प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए जाने चाहिए थे वो हम उसके माध्यम से उठा रहे हैं। एक और असल में आपके शुरुआती हफ्ते में ही कई ऐसे कदम आपने उठाए थे जिसको लेकर इतनी चर्चा हुई, लोगों ने कहा योगी जी धीरे धीरे चलिए थोड़ा, लेकिन बूचड़ खाने आज जब तस्वीर आती है, आज तक पर ही हमने दिखाया कि किस तरीके से बैकडोर से वो अवैध बूचड़ खाने चल रहे हैं। क्या 100 दिन आपने एक बहुत छोटा दायरा अपने आपको एक बहुत तेजी से काम करने वाला आपको अपने टाइम लिमिट ले लिया? देखिए, जहाँ पे कार्य संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो गई थी, आखिर उस स्टेट के लिए हमें एक लक्ष्य तो तय करना चाहिए और ये केवल 100 दिन का लक्ष्य नहीं था हमारा, अभी हम लोग आगे भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सरकार 100 दिन के बाद सरकार बैठ जाएगी, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। हम लोगों ने लक्ष्य रखा, इसलिए बड़ा लक्ष्य रखा गया जिससे लोग उतनी मेहनत के साथ कार्य कर सकें, और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान प्रशासन ने अच्छा करने का प्रयास किया है, और इसीलिए मैंने प्रदेश भर का दौरा भी इस दौरान किया। कमिश्नरी स्तर का पूरा दौरा मेरा संपन्न हो चुका है, हम जिले स्तर पर अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया उसी का हिस्सा था। हम लोगों ने अवैध बूचड़ इलीगल जो स्लॉटर हाउसेस थे उनको हम लोगों ने बंद करने के लिए NCT और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को ध्यान में रखकर के उसी प्रकार के एक आदेश जारी किया कि भाई इनका पालन आप लोग अपने अपने जिलों में करवाइए। इस दौरान बहुत सारे ऐसे मामले थे जिन्होंने कोर्ट में जाकर के वहाँ पर कोर्ट ने हाई कोर्ट ने उसमें कुछ अलग ही डायरेक्शन जारी किए हैं, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। अभी 17 जुलाई को कोर्ट में मामला लगा हुआ भी है, लेकिन इस सब के बावजूद हम लोग प्रदेश के अंदर इलीगल स्लॉटरिंग नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है, और जो करता हुआ पाया जाएगा उसको दंडित भी करेंगे। इन्हीं 100 दिनों का टारगेट था गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश, आपकी अपनी सरकार ने कहा कि 63% हुआ है। अब बारिश का मौसम आ गया है यहाँ पर, हम लोग नहीं 63% नहीं, लगभग 80% से ऊपर हम लोग पहुँचे हैं। 1,21,000 किलोमीटर गड्ढा युक्त सड़कें उत्तर प्रदेश के अंदर थी अलग अलग विभागों, इसमें गन्ना विभाग था, इसमें PWD था, इसमें सिंचाई विभाग भी था, इसमें मंडी समिति थी, इसमें स्थानीय निकाय की इकाइयाँ भी थी, इसमें जिला पंचायत भी थी, पंचायती राज का भी था, अलग अलग विभागों के थे, बहुत सारे विभाग थे जिनके पास इस मद में कोई पैसा नहीं था, जैसे सिंचाई विभाग है, जैसे गन्ना विभाग है, इनके पास कोई भी इस मद में पैसा नहीं होता, तो स्वाभाविक रूप से जब बजट पास होगा तभी हम उसको पैसा दे पाएंगे। मंडी समिति के पास पैसा नहीं था, लेकिन मंडी समिति को हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था कराई, क्योंकि मंडी के मद में कुछ पैसा था तो सड़कों के लिए हम लोगों ने उनको उपलब्ध करवाया। PWD के कुछ पैसा दिया गया, तो कुछ पैसा बजट पास होते ही हम उनको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। लेकिन पहली बार हो रहा है कि 100 दिन के अंदर प्रदेश के अंदर 85,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बन जाएं, गड्ढा मुक्त हो जाएं। 1,21,000 है, ये 1,21,000 किलोमीटर की सड़कें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के पाप और भ्रष्टाचार का एक नमूना है प्रदेश के अंदर। ये जो गड्ढे हैं, ये बड़े बड़े गड्ढे हैं, हमें नहीं मालूम था कि इतने बड़े गड्ढे होंगे, लेकिन इनके पाप और भ्रष्टाचार के गड्ढे इतने व्यापक हैं, इतने बड़े हैं कि इनको भरने में कुछ समय लग रहा है, लेकिन हम लोग इस कार्य को, इस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। अखिलेश यादव उल्टा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं राम नाम राम राम जपना पराया काम अपना, कि अभी तक योगी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया है, सारा हमारा ही बजट चल रहा है, हमारा ही आवंटन है, हमारा ही काम है। देखिए, अखिलेश यादव ने इसी बहाने भगवान राम को याद तो किया, दूसरा अगर उन्होंने काम किया होता तो संभवतः प्रदेश के अंदर ये सड़कें 1,21,000 किलोमीटर की सड़कें गड्ढा युक्त तो नहीं होती। अगर उन्होंने काम किया होता तो लखनऊ में मेट्रो चल रही होती। अगर उन्होंने कार्य किया होता तो प्रदेश के अंदर विद्युत वितरण के लिए हम लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी होती। आज उनके समय के आंकड़ों को आप उठा के देखिए और आज पिछले 100 दिन के अंदर प्रदेश में विद्युत वितरण के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, मुझे लगता है पहली बार हो रहा है जब बिना भेदभाव के प्रदेश के हर नागरिक को
बिजली मिल रही है। हमने जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली देनी प्रारंभ की, तहसील और बुंदेलखंड मुख्यालयों को 20 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की, हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे की बिजली देनी प्रारंभ की। इस दौरान 18,000 से ऊपर जो छोटे छोटे मजरे थे उनमें विद्युतीकरण का कार्य हम लोगों ने संपन्न किया है। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है 24 घंटे के अंदर बदलने की एक नई परिपाटी प्रारंभ की है, शहरी क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। आखिर ये सब काम इन्होंने किए होते तो ये सब हमारे ऊपर बोझ क्यों होता है? ये आपका एक और बहुत एम्बिशियस और उसके साथ ही विवादित योजना थी, एंटी रोमियो स्क्वाड। लड़कियों ने, लड़कियों के परिवार वालों ने तारीफ तो की, लेकिन कई युवा कहते थे कि हमें परेशान किया जाता है। आज की तारीख में आपको लगता है कि अब सेटल हो गया है एंटी रोमियो स्क्वाड? सेटल नहीं हुआ, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सुधार हो गया है उसमें? सुधार हुआ है, उसके लिए गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी गई है। और उसमें अगर जिन पुलिस अधिकारियों ने, पुलिस कर्मियों ने उस गाइडलाइन के विरुद्ध जाने का कार्य किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। लेकिन इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लगभग 13 लाख ऐसे मामलों को चिन्हित किया जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूल कॉलेजेस के बाहर, हॉस्पिटल्स के बाहर, किसी बाजार, किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में, पूरे प्रदेश के अंदर अब तक पिछले 100 दिन के दौरान लगभग 13 लाख ऐसे मामले चिन्हित हुए थे, जिसमें 8 लाख तो उन 8 लाख ऐसे लोगों को उनके परिवार वालों को बुला करके उनको सौंपा गया, 5 लाख में कड़ी हिदायत उनको दी गई, और बाकी लगभग 13,000 के आसपास ऐसे मामले थे जिनमें हम लोगों को कार्रवाई करनी पड़ी है। प्रक्रिया है, इसमें दोनों पक्ष थे, लोगों ने, परिवार की महिलाओं ने, बहु बेटियों ने इसका स्वागत भी किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि ये युवाओं के विरुद्ध, युवाओं के विरुद्ध नहीं था, मंचलों के विरुद्ध था, उन दोनों शरारती तत्वों के खिलाफ था जो सड़क पर चलना माँ बहनों की, बेटियों की के लिए एक समस्या पैदा करते थे, उन लोगों के लिए व्यवस्था है और ये आगे भी चलेगा। योगी जी, महिला सुरक्षा का क्या आपने जिस महिला से जाकर मुलाकात की जिस पर एसिड का अटैक हुआ था, दोबारा अटैक हो गया मुलाकात के बावजूद? देखिए, ये छठी बार ये घटना घटित हो रही है जी। और आज जो मामला सामने आया है वह स्वयं हाथ से लगाने का प्रकरण सामने आया है, तो हम लोग इस बात की जांच करा रहे हैं कि सचमुच एक घटना घटित हुई, क्योंकि वे जिस हॉस्टल में रह रही हैं हाँ। वे पूरी तरह सुरक्षित हॉस्टल है हाँ। कोई बाहरी व्यक्ति वहां जा नहीं सकता है। उस सब के बावजूद एक घटना की कैसे वहां पे चीजें हुई हैं, हम लोगों ने इसीलिए ऑब्जर्वेशन में इस चीज को रखा हुआ है, क्योंकि उस समय मैं स्वयं KGMU में मिलने के लिए गया था, देखने के लिए मैं गया था, और एक घटना हम लोगों ने इसीलिए उनको सुरक्षित ठिकाना भी दिया था। ये घटना सचमुच घटना है या फिर घटना के नाम पर कुछ लोग केवल बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, इन सब चीज सब की तह में निकला जा रहा है। अब तक की जो रिपोर्ट आई है मुझे लगता है कि वो शाम तक क्लियर हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि कानून किसी को संरक्षण देने के लिए है, अगर कोई दुरुपयोग करेगा तो कानून को उसको भी गिरफ्त में लेना होगा, हमें इन सब मामलों में ये भी देखना होगा। योगी जी, आपको 24/7 चीफ मिनिस्टर कहा जा रहा है, 24 घंटे काम करते हैं सातों दिन, तो बोझ भी काफी बढ़ गया होगा सब पर, आपके आसपास के अफसरों पर, बाकी मंत्रियों पर, लेकिन क्या आपके आदेशों का पालन उसी रफ्तार से हो पा रहा है? देखिए जिस प्रदेश में कार्य संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जहां पर मुख्यमंत्री सप्ताह में 10 मिनट के लिए कार्यालय जाते थे, जहां पर अधिकारी 11 बजे के बाद चले गए तो चले गए, नहीं तो लंच के बाद तो कोई कार्यालय सब वीरान हो जाते थे, वहां पर एक प्रयास प्रारंभ किया गया है, और मुझे लगता है हम लोग तो एक टारगेट पहले ही दे दिए हैं हाँ। कि भाई जो इस स्पीड से चल पाएगा वो रहें, बाकी जो नहीं चल सकता वो अपना रास्ता तय कर लें, हम लोगों ने सबके सामने इस बात को कह दिया है। उत्तर प्रदेश को वास्तव में अगर हमें आगे ले जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, यहाँ की कार्य संस्कृति बदलनी पड़ेगी, यहाँ के व्यक्ति के लिए संस्थाओं को जो नष्ट किया गया है, किसी परिवार विशेष के भ्रष्ट कारनामों को छुपाने के लिए संस्थाओं को जो बलि दी गई है, इससे उभरना पड़ेगा, और इस दिशा में किया जा रहा एक प्रयास है, और मुझे लगता है कि प्रशासन ने भी, पुलिस ने भी, और सभी सहयोगियों ने मिलकर के इस दिशा में एक अच्छा सहयोग दिया है, उसके कुछ परिणाम सामने आए हैं, जनता की तरफ से अच्छा रिस्पांस आया है। मुझे लगता है कि अगर कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है या कोई राजनीतिक
विद्वेष की भावना के साथ कोई वक्तव्य नहीं दे रहा है, तो हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर रहा है कि पिछली सरकारों की तुलना में कुछ बेहतर करने का प्रयास हुआ है। 100 दिन किसी सरकार की कार्यप्रणाली को आंकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छी दिशा में किया गया प्रयास है तो परिणाम भी अच्छा होगा। लेकिन 100 दिन में 2 CBI जांच ऑर्डर किए जा चुके हैं, आजम खान, अखिलेश यादव सब अभी परेशान हो रहे हैं कि योगी जी जो हैं वो बदले की भावना से, बदले की भावना से नहीं। देखिए, जिन लोगों ने प्रदेश को लूटा है, अब सोचिए कि गोमती रिवर फ्रंट PPR उसका बनता है 160 करोड़ का, DPR बनते बनते वो चला गया 660 करोड़, और उस परियोजना को पूरा होना था जनवरी 2017 में। मार्च 2017 में हम लोग जब निरीक्षण करने के लिए वहां जाते हैं तो तब तक 60% कार्य, 24 उसमें कार्य संपन्न होने थे, 24 में से केवल 8 छोटे कार्य संपन्न हुए हैं, 8 छुए ही नहीं गए हैं, 8 अधूरे पड़े हुए हैं, और पैसा खर्च हो चुका है 1437 करोड़ रुपये। क्या है ये, लूट नहीं तो क्या है? इन सब मामलों में हमने तो इसलिए एक केंद्रीय एजेंसी को दिया है जांच, हम अपनी एजेंसी से जांच कराएंगे, लोग कहेंगे देखिए साहब दबाव, केंद्र भी तो आपका ही है। केंद्र भाई, हम केंद्रीय एजेंसी से इसलिए दे रहे हैं जिससे ये आरोप न लग सके। CBI के बारे में कहा जाता है निष्पक्ष है, तो कम से कम CBI निष्पक्ष ही जांच कर ले। बहुत सारे मामलों में कहते हैं CBI को दीजिए, हमने उसको दिया है, और मुझे लगता है कि ये वक्त की संपत्ति, आप अनुमान करेंगे अगर उसकी पूरी जांच हो जाए तो ये लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति खुर्द बुर्द हुई है, बेची गई है। अब इतनी बड़ी संपत्ति, जिस संपत्ति का उपयोग अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए हो सकता था, वहाँ पर लोगों को न्याय देने के लिए, उनको बुनियादी सुविधाएं देने के लिए हो सकता था, उनके शिक्षा और उनके रोजगार के लिए हो सकता था, वह व्यक्ति विशेष को इतनी बड़ी लूट करने की छूट मुझे लगता है कोई भी सभ्य समाज नहीं दे सकता है, और कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार नहीं दे सकती। हमने चंद सवाल मंगाए थे अपने दर्शकों से जो सोशल मीडिया के जरिए, तो एक तो योगी जी पर जो आरोप है वो मैंने आपसे पूछा, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि आज की तारीख में भगवा ब्रिगेड की गुंडई शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में, इसके उदाहरण भी आते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर भगवा ब्रिगेड की गुंडई होती तो आप भगवा कपड़ा पहन के मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आते। ये लाल अरे उसी के साथ बढ़ता हुआ कदम है, और उसमें जब तिरंगे की बात होती है ना तो उससे भी एक रंग आ जाता है जो हिंदुस्तान का ही भगवा, भगवा तो उसका एक कलर है। मैं इसीलिए भगवा ब्रिगेड बोल रही हूँ क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को कहा जाता है, जो आपके खुद की प्रशिक्षण पाए हैं, वो अलग अलग अस्पतालों में जाके एक वॉलंटियर फोर्स की तरह जब काम करते हैं तो उसमें कई दफा उस लकीर को, सीमा को क्रॉस भी कर जाते हैं। ये शिकायतें क्या आप तक पहुंचती हैं? देखिए ऐसा नहीं, देखिए कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं, सेवा का एक विस्तार है, आप उस विस्तृत क्षेत्र में कार्य करिए। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी 2014 में, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब फरवरी मार्च में सर्वे हुए थे तो उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर जो 100 स्वच्छ शहरों में केवल वाराणसी 32वें क्रम में आया था, और 100 गंदे शहरों में 52 उत्तर प्रदेश के थे। तो मुझे लगता है कि इन सभी स्वयंसेवी संगठनों को, हम लोग तो इनको आह्वान बार बार किए हैं कि आप स्वच्छता अभियान के साथ जुड़िए, आप वृक्षारोपण के अभियान के साथ चलिए, अभी हम लोग स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किए हैं, इस अभियान के साथ आप जुड़िए, समाज में किसी अच्छे रचनात्मक अभियान के साथ आप लोग जुड़िए, साक्षरता के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जुड़िए, गरीब कल्याण के लिए की जाने वाली घोषणाओं के साथ आप लोग जुड़िए, लेकिन कानून को कोई हाथ में न लें। अगर कानून को किसी ने हाथ में लिया तो देखिए कानून फिर उस मामले में कोई भेदभाव नहीं करेगा, पूरी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ निपटने का कार्य करेगा, और वो हम लोग कर रहे हैं। ये छूट आपने दे रखी है पुलिस को? प्रशासन को खुली छूट है कि जहां पर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करे सख्ती के साथ उससे निपटे। अगला आरोप आप पर लगता है ठाकुर राज लाने का, कि यादव राज गया ठाकुर राज आया, अगड़ी जातियों के पक्ष में, और इसके पक्ष में जो कुछ आंकड़े कोट किए जाते हैं वो ये कि 75 अगर DSP हैं तो उसमें 13 राजपूत 20 ब्राह्मण, यानी अगड़ी SP अगर अगड़ी जातियों को आप बढ़ावा दे रहे हैं आपके राज में, देखे ना उसमें 21 तो ब्राह्मण है, 13 ही क्षत्रिय है, तो कहाँ से ठाकुर राज हो गया? एक दूसरा, हमारे यहाँ 8 जोन है, उसमें हमने EDG स्तर के अधिकारी रखे हैं,
उसमें कितने हैं वो भी आपको देखना चाहिए। हमारे 18 रेंज हैं, उस रेंज में कितने अधिकारी ठाकुर हैं ये भी आपको देखना चाहिए। आप कह रहे हैं मिसलीडिंग आंकड़े हैं। देखिए जिसके पास, देखिए जो लोग बेरोजगार हो गए उनको कुछ तो बोलना है। हमारी किसी एक कार्रवाई को तो बताएं कि जिसमें उनको लगता हो कि ये जाति से प्रेरित हो, जिसमें पूर्वाग्रह से प्रसिद्ध से ग्रसित हो। एक भी हमारा विरोधी भी इस प्रकार का आरोप नहीं लगा सकता। अब स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग को एक उद्योग बना दिया था, एक धंधा बना दिया था, हम लोगों ने सचिवालय में ऐसे सभी दलालों की आवागमन रोक दिया है। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि प्रशासन के कार्य में हस्तक्षेप किसी का नहीं होगा और प्रशासन को गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करनी होगी। जो कार्य नहीं कर सकता है वे अपनी जवाबदेही तय कर लें और उनकी जवाबदेही भी तय हो रही है। दंगा नहीं हुआ आपके राज्य में? नहीं हुआ। लेकिन सहारनपुर हिंसा को आप किस श्रेणी में रखेंगे फिर? देखिए सहारनपुर में एक जातीय संघर्ष पैदा करने का प्रयास हुआ था। इसके पीछे वे तत्व हैं जो अब तक की अनैतिक और अवैध गतिविधियों को यहाँ पे प्रश्रय देते थे, उसमें संलिप्त थे, खासतौर से खनन माफिया सहारनपुर का। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट कब से कह रहा कि उसको रोको रोको, लोग रोकते नहीं थे क्योंकि उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। तो इसके पीछे उन खनन माफियाओं का हाथ था, फाइनेंस उनके स्तर पर इन सब गतिविधियों के लिए हो रहा था। भीम आर्मी कुछ भी नहीं, ये केवल उन खनन माफियाओं के जेब का एक वह हथियार है जिसको इस्तेमाल कर रहे थे इस रूप में। मुझे लगता है सभी लोग उस षड्यंत्र को समझ चुके हैं। प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई की है। उस कार्रवाई के बाद जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ऐसे तत्व जो इसके पीछे रहे वे भी गिरफ्त में आएंगे। एक मुद्दा जो अभी पूरे देश को परेशान कर रहा है, मैं आपसे इसीलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि आपकी एक तस्वीर हमने देखी है गौ सेवा की जी, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर जो मारपीट चल रही है, जो हत्याएं हो रही हैं, जिसकी भर्त्सना प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सबने की है, एक बात योगी आदित्यनाथ के लिए वो क्या है? देखिए गौ सेवा तो हमारी सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है और उसमें मैं भी करता हूँ, मुझे भी अवसर मिलता है तो मैं गौ सेवा बहुत अच्छा पुण्य का कार्य मानता हूँ। लेकिन गौ रक्षा के नाम पर कानून हाथ में उठाने की छूट किसी को नहीं है और इस मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना नहीं घटित हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना घटित भी नहीं होने देंगे। पहले से सबके लिए एक लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है। प्रदेश के अंदर इलीगल स्लॉटर हाउसेस को रोकना गौ तस्करी पर भी प्रभावी अंकुश लगाने की एक कड़ी थी और उस दिशा में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग पूरी तरह बंद है। जहां कहीं भी अगर थोड़ी कोई शरारत कर रहा है तो पुलिस पूरी सक्रियता के साथ ऐसे तत्वों को दबाने का कार्य कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के बार बार आह्वान के बाद अगर समूचे देश में इस तरह की घटनाएं सामने, वो बोल रहे थे और झारखंड में वो घटना हो रही थी और इसीलिए दुख होता है कि ऐसा क्यों? देखिए ये जो घटनाएं कुछ जगह हो रही हैं ये रुकनी चाहिए और पूरी शक्ति के साथ रुकनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की पीड़ा स्वाभाविक है और हम लोग पूरी तरह प्रधानमंत्री जी की पीड़ा से सहमत। लेकिन आप भी इस तरह की अपील लोगों से करेंगे? हाँ, हमने पहले कह दिया ना। हाँ। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़ खानों को इसीलिए रोका है जिससे अवैध तस्करी रोक सके और उसके क्रम में पूरी सतर्कता बरती गई है। अगर कहीं तस्करी होगी तो तस्करी जहां पकड़ी जाएगी वहीं का थानाध्यक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। जहां से चला था जहां तक ये सभी लोग उस रूट से जुड़े हुए लोग क्या कर रहे थे इसकी भी जवाबदेही तय। यानी सरकार को भी अंकुश लगाना होगा और भीड़ को खुद पर नियंत्रण रखना होगा। देखिए कानून को कोई हाथ में न ले, अगर प्रशासन संवेदनशील है संजीदा है तो फिर आप प्रशासन से और शासन से अपनी बात कहिए। अगर वो कार्य नहीं करता है तो आप बोलिए, लेकिन अगर वह कार्य कर रहा है, स्वयं सक्रिय होकर कार्य कर रहा है, मैं कह सकता हूँ। देखिए पुलिस के पास प्रशासन के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं कि उसको मालूम हो कि इस समय ही तस्करी होगी और अगर आप सड़क पर खड़ा होकर के उनको एकदम तलाशी करने के लिए छोड़ देंगे तो बहुत बार उसमें वसूली की भी शिकायतें आने लगती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है ये घटना घटित हो रही है, इस प्रकार की कार्रवाई, और आप शिकायत करिए, कोई सुनवाई नहीं होगी तब आप बताइए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इल्लीगल गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, कार्रवाई नहीं होगी तो आप बताइए। और प्रशासन स्वयं सतर्क है, उन तस्करों को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश से चलने का मतलब क्या होगा। इस समय प्रशासन
इस भूमिका को जब वो स्वयं वह उसके प्रति स्वयं भयभीत है, डरा हुआ, इस प्रकार की गतिविधियां रुकी हुई हैं, तो मुझे लगता है इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होंगी। हम गौ माता से रामलला की तरफ चलते हैं। सुना है कि शिलाएं बड़ी संख्या में जा रही हैं कार्तिकपुरम। देखिए ये तो आज से थोड़े 1992 के बाद से ही, लेकिन अब उम्मीद तो जग गई है लोगों की, बढ़ गई है उम्मीद। जगना तो अच्छी बात है। 2019 से पहले मंदिर बन जाएगा। देखिए मैं अयोध्या गया था, 31 मई को मैं अयोध्या में था, और मैंने तो अयोध्या में दोनों पक्षों से अपील की है कि सरकार इसमें कोई पार्टी नहीं है, अगर दोनों पार्टियां मिल करके कोई संवाद से समस्या का समाधान कर दें तो मुझे लगता है कि देश के सौहार्द के लिए इससे अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। मिलकर ही फैसला निकलेगा इसका। देखिए ये तो भगवान राम ही जाने क्या होना है, लेकिन समस्या का समाधान एक समय के बाद जरूर होगा। अयोध्या से आप चुनाव लड़ेंगे, ऐसी भी बातें सुनने में आ रही है। देखिए चुनाव लड़ने का मेरा कोई वो नहीं है, प्रधान पार्टी जहां मुझे कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए 100 दिन एक योगी के लिए एक मुख्यमंत्री होना कितना रास आया? देखिए हमारी साधना का हिस्सा है ये। जब मैंने दीक्षा ली थी 1994 में अपने पूज्य गुरुदेव से, तो मैं उनके संपर्क में 1990-91 से ही आ गया था। 1993 में मैं गोरखपुर पूरी तरह आ गया था, तो मैंने उनसे धर्म के बारे में पूछा कि आखिर धर्म है क्या, केवल पूजा करना, शंख बजाना, टीका लगाना, घंटा बजाना, क्या यही धर्म है? तो उन्होंने मुझे दो बातें कही। उन्होंने कहा देखिए धर्म को जब हम किसी पूजा पद्धति तक सीमित कर देते हैं तो वह उस हम उसको संकीर्ण कर देते हैं। धर्म के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, एक पक्ष है अभ्युदय का, जिसे आप कह सकते हैं सांसारिक उत्कर्ष का, लोक कल्याणकारी पक्ष एक है, और दूसरा पक्ष है उसका निष्क्रियता का, जिसे आप कह सकते हैं कि यह पक्ष उसका है जिसको एक सन्यासी के लिए मोक्ष प्राप्ति का है, एक सामान्य सदगृहस्थ के लिए जीवन के हर क्षेत्र में उत्तीर्ण होने का है, पास होने का है। तो हम लोगों के लिए, मेरे लिए एक सांसारिक उत्कर्ष का, लोक कल्याणकारी पक्ष का, धर्म के पहले पक्ष को लेकर के मैं चल रहा हूँ। इसमें मुझे इस मंच के माध्यम से उस लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास, एक मौका मिला है कि जिसमें हम लोग बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर 22 करोड़ लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचा सकें। मुझे लगता है धर्म का एक पहला पक्ष हम इस सेवा के माध्यम से कर रहे हैं, और मैं इस अभियान के साथ जुड़ते हुए, मैं एक सांसद तो था ही, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम पार्टी ने विश्वास किया मुझ पे, और पार्टी ने देश के सबसे बड़े राज्य का दायित्व तो मुझे दिया है, तो दायित्व तो मुझे दिया है, मेरे लिए एक अवसर है उस विश्वास पर खरा उतरने का, और धर्म के उस पक्ष को जो लोक कल्याणकारी पक्ष है उस पक्ष को भी पूरा करने। लेकिन गोरखपुर से दूर लखनऊ अच्छा लग रहा है? देखिए गोरखपुर मेरी कर्मभूमि है, प्रयास करता हूँ कि महीने में एक दिन मौका मिल जाए, एक दिन के लिए जाता हूँ, प्रयास करता हूँ, और मुझे लगता है कि बाद में गोरखपुर फिर वापस जाऊँगा। योगी जी उत्तर प्रदेश 100 दिन में पता नहीं कितना बदला, लेकिन योगी जी काफी बदल गए। नहीं, आपके विचार बदले हैं या सिर्फ आपका व्यवहार बदला है? ऐसा नहीं है, देखिए मैं जो पहले था वही आज नहीं। आप जो बयान देते थे लोगों को लगा कि कहीं इस 100 दिन में जो विरोधी पार्टियां थी उनको लगा कि मुद्दा मिल जाएगा कुछ आपके बयानों से, आपने मौका ही नहीं दिया है किसी को। तो उन लोगों को तो कम से कम निराशा हुई होगी, तो कुछ तो बोलेंगे फिर, आज तो बोल ही रहे हैं लोग। तो आप बदले नहीं हैं? नहीं, मैं जो पहले था वही आज भी हूँ और वही आगे भी रहूंगा। पर एक बयान आपका जरूर विवादित हुआ था, उसको उसकी खिंचाई काफी हुई थी, वो था कि ताजमहल हिंदुस्तान की पहचान नहीं हो सकती। ये क्या आप विस्तार कर सकते हैं इसका? क्या आपको ताजमहल पर एतराज है या सिर्फ एक इमारत के पूरे देश की पहचान होने पर? देखिए सबसे बड़ी बात ये है, मैं एक बार गया था बैंकॉक, वहां मैं गया था तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ क्या चीज है देखने के लिए, ऐसी क्या चीज है? तो लोगों ने कहा कि यहाँ फलाना चीज़ है, फलाना चीज़ है, यहाँ पे ये है। मैंने कहा भी ये सब मुझे पसंद नहीं, मुझे बताइए भारतीय संस्कृति से जुड़ी भी कोई चीज़ बताइए। हाँ। तो उन्होंने कहा साहब यहाँ कुछ चीज़ें हैं, एक तो यहाँ की जो पुरानी राजधानी है उसका नाम अयोध्या है। हाँ।
दोस्तों उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज हैं, इनका नाम राम के नाम पर है। तीसरा उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ का जो ग्रैंड पैलेस था, पुराना राजमहल था, वह रामायण को इन्होंने दान कर दिया है, राजा ने दान कर दिया। वहाँ पे थाई रामायण से चित्र उकेरे गए हैं पूरे राजमहल में। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ की पूरी व्यवस्था के बारे में बताया, तो मैंने देखा कि पूरा थाईलैंड भगवान राम से और भगवान बुद्ध से कितना आत्मीय संबंध रखता है। मैं कंबोडिया गया था, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का, तो मैंने कभी अंकोर क्या है, लोगों ने कहा है अंकोर को कंबोडियाई भाषा में विष्णु को अंकोर कहते हैं, वाट का मतलब मंदिर है, तो ये विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु की सबसे बड़ी प्रतिमा अंकोर वाट में आज भी मौजूद है, और पूरा कॉम्प्लेक्स ही अंकोर कॉम्प्लेक्स कहलाता है, यानी सैकड़ों मंदिर हैं, और पूरी कंबोडिया की इकोनॉमी उस अंकोर वाट के मंदिर और उस कॉम्प्लेक्स पर आधारित है। आप इंडोनेशिया चले जाइए, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन वह आज भी अपने को राम को अपना पूर्वज मानता है। रामायण वहाँ का नेशनल फेस्टिवल है, गणेश जी वहाँ की मुद्रा में गणेश जी हैं, उनका जो नेशनल एयरलाइंस है उसका नाम गरुड़ है। अब देखिए ना, भारतीय संस्कृति से कितना उनका लगाव है। आप काठमांडू चले जाइए, आप भारतीय कहेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन एक हिंदू के रूप में एक आत्मीयता का भाव उनके अंदर जगता है, ये दिखाई देता है। हम लोगों ने हिंदू को सांप्रदायिक क्यों कह दिया, देखिए एक शरारत हुई है, हिंदू से बड़ा सेकुलर तो कोई है ही नहीं। हिंदू किसी एक पूजा पद्धति के प्रति आग्रही है ही नहीं, एक ईश्वर विशेष के प्रति कभी आग्रही रहा ही नहीं है, कभी एक उपासना विधि के प्रति कभी आग्रही रहा ही नहीं, लेकिन हमने फिर भी उस हिंदू को सांप्रदायिक कह दिया, और वही बात भारत की पहचान किया है। हम दुनिया के अंदर जाते हैं, भारत की पहचान क्या है, इंडोनेशिया राम के साथ अपना संबंध जोड़ रहा है, थाईलैंड राम के साथ अपना संबंध जोड़ रहा है, कंबोडिया राम के साथ अपना संबंध जोड़ रहा है, नेपाल अपना संबंध इस सनातन हिंदू धर्म की परंपराओं के साथ जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने भारत की परंपरा को जोड़ दिया ताजमहल के साथ। ताजमहल एक पर्यटक स्थल हो सकता है, लेकिन भारत की पूर्ण पहचान हो मैं नहीं मानता। भारत की पहचान वेदों से हो सकती है, भारत की पहचान रामायण से हो सकती है, भारत की पहचान श्रीमद् भगवद गीता से हो सकती है, जो सार्वभौम संदेश दुनिया को देंगे, जिन्होंने दुनिया को तो हिंदू राष्ट्र और एक सबका साथ सबका विकास में कोई विरोधाभास नहीं है। मुझे लगता है कि सबका साथ और सबका विकास ये वेदों के उस उद्घोष से निकला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और मुझे लगता है कि हमें इस भाव को अंगीकार करना होगा। जिस दिन दुनिया इसको अंगीकार कर देगी, दुनिया के अंदर ये संघर्ष समाप्त तो हो जाएंगे, दुनिया के अंदर ये जो जगह जगह विस्फोट हो रहे हैं, जगह जगह चमड़ियां जुलसती भी दिखाई दे रही हैं, ये सब बंद हो जाएगा। योगी जी, हम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़े, उसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक लेवल मुख्यमंत्री है राजनीति का, सांसद था, फिर आप मुख्यमंत्री हुए, पदभार मिला, अगला लेवल क्या है? मुख्यमंत्री के रूप में हूँ, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मेरा अंतिम जो लक्ष्य है वह है एक योगी के रूप में, एक सन्यासी के रूप में मोक्ष के अपने पथ को आगे मैं बढ़ाऊं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के तौर पर भी कहा जाएगा, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो चाह रहे थे कि योगी जी अगले मुख्य प्रधानमंत्री। मेरे सामने लक्ष्य उत्तर प्रदेश को संभालना है, उसके आगे जो जिम्मेदारी दी जाए, विकास और सुशासन, एक नई परिपाटी को स्थापित करना है, और उसमें मैं लगा हूँ, उसमें पूरा प्रयास करके पूरी ताकत के साथ अपनी पूरी टीम के साथ हम लोग लगे हैं। हम ईश्वर से, भगवान विश्वनाथ की नगरी में आए हैं, भगवान विश्वनाथ से ही प्रार्थना करेंगे कि वह हमें आशीर्वाद दें, अपनी कृपा हम पर बरसाएं कि हम प्रदेश में, हम बनारस में मौजूद हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री की याद आ ही जाती है, उनका संसदीय क्षेत्र है, लगता है कि कहीं आप उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जा रहे हैं पार्टी में। देखिए, प्रधानमंत्री जी हम सबके आदर्श हैं, और भारतीय राजनीति ही नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति के सामने विश्वसनीयता का एक ऐसा चेहरा, एक लोकप्रिय चेहरा, जिन्होंने भारत को तो एक दिशा दी ही है और दुनिया की राजनीति को एक दिशा दे रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से जब भी हमें मार्गदर्शन का अवसर प्राप्त होता है, हम प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन लेते हैं। योगी जी किसी सवाल से बचते नहीं है,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।